This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. इससे पहले कि हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोगों को जानना बेहद जरूरी होता है। एक तो टर्म हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलोरीमेट्री। ये कैलोरीमेट्री जो है ये एक्चुअल में क्या है, तो बेसिकली साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो कैलोरीमेट्री जो है वह क्या है, हम लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ हीट। यानी कि हम लोग जो है कैलोरीमेट्री में क्या पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। अब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम लोग हीट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर, राइट। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। एक टर्म जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है ये एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर। तो हम लोग कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द हीट एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का हीट एनर्जी का लेवल बताने वाला जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर के जरिए ही हम लोगों को पता चलेगी कि अगर एक बॉडी जो है गर्म है तो कितना गर्म है, अगर कोल्ड है तो वह कितना कोल्ड है, इसकी मेजरमेंट जो है हम लोग टेम्परेचर के जरिए कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी वाटर का और दूसरे वाटर का जो है टेम्परेचर अगर हम लोग कहें 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि हीट एनर्जी लेवल जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस वाले में ज्यादा है, यानी कि कंपेरेटिवली वह ज्यादा गर्म है, राइट। तो ये टेम्परेचर जो है हीट एनर्जी का लेवल को बताता है। एक टर्म हम लोग यूज करेंगे यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम जो है क्या है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो सिंपली जब कभी भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो हीट एनर्जी इटसेल्फ स्वतः ट्रांसफर करता है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफर करेगा, तो टिल देयर टेम्परेचर इज नॉट टू बी सेम। तो जैसे ही दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि वह थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट। तो अगर सपोज करिए गर्म रॉड है, राइट, और उसको एक ठंडे पानी में जो है हम लोग डुबो देते हैं, तो क्या करेगा, गर्म रॉड जो है ठीक है वह हीट एनर्जी लूज करेगा, और जो वाटर है ठीक है वह हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो आप देखेंगे कि जो गर्म रॉड था उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और आपका जो वाटर है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, हम लोग कहेंगे उस स्टेट को ही थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। तो व्हेनेवर टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, जब कभी भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, हीट एनर्जी इटसेल्फ ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर इज नॉट टू बी सेम। तो हीट एनर्जी जो है वह हमेशा ट्रांसफर करता है एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे दूसरे बॉडी में जिसका टेम्परेचर जो है कंपेरेटिवली कम है। तो
और ये ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो टू और मोर बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होना बंद हो गया। अगर ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, दो सिस्टम जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, ये नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है उनका टेम्परेचर सेम हो गया, और टेम्परेचर सेम होगा तो वह स्टेट जो है थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो आज के टॉपिक में हम लोगों को देखना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? तो जैसा कि आपको बताया कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होंगे तो एक बॉडी हीट एनर्जी लूज करेगा और दूसरा बॉडी जो है उसी हीट एनर्जी को, जो पहला बॉडी लूज कर रहा है उसी को दूसरा बॉडी जो है वह गेन करेगा। जैसे सपोज करिए, अगर एक टी जो है आपने बनाया कप में और यहां पे रख दिया, ठीक है, तो चाहे तो स्टार्टिंग में आपका गर्म है लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वह कंपेरेटिवली क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा कि हीट एनर्जी लूज करेगा, और जितना लूज करेगा ये सराउंडिंग जो है उसको क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितना हीट एनर्जी ये सिस्टम लूज कर रहा है उतना ही ये गेन कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए सिस्टम ए। अगर एक सिस्टम जो है हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए सिस्टम ए, मान लिया जाए कि एक सिस्टम जो है ए है और उसका दूसरे जो बॉडी है जिसके साथ वह संपर्क में है, या फिर दूसरा बॉडी के जगह में हम लोग सराउंडिंग ऑफ ए भी कह सकते हैं, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए सिस्टम ए इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय सिस्टम बी। तो जो सिस्टम बी है उसी हीट एनर्जी को गेन करेगा जो सिस्टम ए के द्वारा लूज किया जा रहा है, या फिर दूसरा सिस्टम नहीं है तो उसके जगह में हम लोग सराउंडिंग ऑफ ए भी कह सकते हैं, ठीक है, सराउंडिंग ऑफ सिस्टम ए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर है ना, सिंपली हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम ए दैट शुड बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय सिस्टम बी और सराउंडिंग ऑफ ए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। थोड़ा और डिटेल में जाए, सपोज करिए वी हैव टू सिस्टम्स, यहां पे अगर आप देखो हमारे पास दो सिस्टम है, इसको हमने कहा सिस्टम ए और ये जो है हम लोगों का हो गया सिस्टम बी, राइट। सिस्टम ए जो है इसका मास m1 है, सिस्टम बी का मास m2 है, सिस्टम ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 है, सिस्टम ए का टेम्परेचर t1 है, सिस्टम बी का टेम्परेचर t2 है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सपोज करिए t1 इज ग्रेटर देन t2 है, t1 जो है t2 से क्या है, बड़ा है, तो ये जो सिस्टम ए है वह हीट एनर्जी लूज करेगा और सिस्टम बी जो है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये सिस्टम जो है में हीट एनर्जी ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, कहने का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर जो है वह टी ना हो जाए, राइट। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि वी हैव टू सिस्टम्स, एक है सिस्टम ए दूसरा है सिस्टम बी, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 दूसरे की c2, एक का टेम्परेचर t1 दूसरे की t2, और t1 जो है वो t2 से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली सिस्टम ए जो है हीट एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा और ये सिस्टम बी जो है वो हीट एनर्जी गेन करेगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, राइट। तो यहां पर सिंपल हम लोग यही देखें
कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सिंपल, इट स्टेट्स दैट हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए सिस्टम ए, सिस्टम ए जितना हीट एनर्जी लॉस करेगा दैट शुड बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय सिस्टम बी, वही हीट एनर्जी को सिस्टम बी क्या करेगा, गेन करेगा, या फिर सराउंडिंग ऑफ ए गेन करेगा। जैसे कि यहां पर अगर एक कप ऑफ टी जो है एक सर्किट बाउंड्रीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं, एक सब्सटेंस है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये आपका एक सिस्टम हो गया, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं ये आपका हो गया सिस्टम ए और ये हो गया सराउंडिंग ऑफ ए। तो यहां पर क्या करेगा कि सिस्टम ए जो है हीट एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और ये सराउंडिंग ऑफ ए जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितना ये सिस्टम ए लूज करेगा उतना ही सराउंडिंग ऑफ ए या फिर जो दूसरा सिस्टम होगा बी उसको क्या करेगा, गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब यहां पर देखना हम लोगों को है कि सिस्टम ए जो है हीट एनर्जी कितना लूज करेगा और सिस्टम बी जो है हीट एनर्जी कितना गेन करेगा। तो यहां पर हम लोग इक्वेशन जो है वो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान में रखना है। तो एम वन जो है सिंपल सिस्टम ए का मास है, सी वन जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसका, सिस्टम ए का। अब यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस को लिखते हैं, किस टेम्परेचर डिफरेंस को लिखते हैं, यहां पर देखिए शुरुआत में इसका टेम्परेचर टी वन था जो घटके कितना हो गया है, टी हो गया है, इक्विलिब्रियम में आया, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आया उसकी टेम्परेचर टी हो गई, तो ये टी वन से घट के टी आया है। तो जो टेम्परेचर आपका बड़ा है राइट, तो उसको पहले लिखना है, जो छोटा टेम्परेचर उसको बाद में लिखना है। तो एम वन सी वन इंटू हमारा हो जाएगा टी वन माइनस टी इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए जो हीट एनर्जी गेन बाय सिस्टम बी है वो क्या करेगा, तो यहां पर एम टू सी टू तो हम लोग लिखेंगे राइट। अब यहां पर क्या है कि शुरुआत में इसका टेम्परेचर टी टू था जो बढ़ के टी हुआ है राइट, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है टी वन से कम था, तो इसका हीट एनर्जी गेन किया है, इसका हीट एनर्जी लूज किया है, ये लूज किया है, ये गेन किया है, तो गेन करके टी हुआ है, मतलब टी जो है वो टी टू से बड़ी टेम्परेचर होगी, तो टी को यहां पर पहले लिखा जाएगा, तो टी माइनस क्या हो जाएगा टी टू। इसी इक्वेशन से जो है हम लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एम वन सी वन, एम वन जो है ठीक है ये मास ऑफ सिस्टम ए है, सी वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सिस्टम ए का होगा, यहां पर टी वन माइनस टी लिखेंगे। एम टू सी टू, यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम वाली टेम्परेचर पहले आ जाएगी क्योंकि वो टी टू से बड़ा है, तो टी माइनस यहां पर टी टू लिखेंगे। अगर मान लिया जाए कि वाटर को वाटर के साथ ही अगर हम लोग मिक्स करेंगे राइट, तब के केस में अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं भी दिया हुआ है तब भी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो सिस्टम अगर एक ही है ठीक है, यानी कि सिंपल दोनों वाटर है ठीक है, 100 ग्राम वाटर को 200 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं, 500 ग्राम वाटर को 1000 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं, तो जब वाटर को वाटर से मिला रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम है, तो दोनों को ही आप लोगों को सी ले लेना है, तब सी वन सी टू लिखने की जरूरत नहीं है और वो सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग देख लें कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड अगर हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, सपोज करिए 100 ग्राम वाटर है राइट एट 10 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर है जिसकी टेम्परेचर कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मिक्स्ड विथ किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो सपोज करिए 200 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर जिसकी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो 200 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जब मिक्स करेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम की जो टेम्परेचर होगी टी उसकी टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। यहां पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि हीट लॉस्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू हीट गेन, तो यहां पर हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी को सिस्टम ए ले लेना है, तो आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। जैसे कि अभी जो इक्वेशन बनाया उसमें क्या था कि जो सिस्टम ए था उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था,
तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि ये हीट एनर्जी लूज करेगा और ये हीट एनर्जी गेन करेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे सिस्टम ए, और ये वाली जो है ये हो जाएगा हम लोगों का सिस्टम बी। अब यहां पे देखो हीट लॉस कितना होगा, तो एम वन सी वन इंटू हमने पढ़ा था टी वन माइनस टी दैट शुड बी इक्वल टू एम टू सी टू टी माइनस टी टू। अब यहां पे देखिए एम वन इसको मानना है 200 है तो 200 लिखा, क्योंकि वाटर को वाटर के साथ ही मिक्स किया जा रहा है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, इसलिए यहां पर हम लोग सी लिख देंगे। टी वन की वैल्यू जो है एपी हो गई माइनस टी इज इक्वल टू एम टू 100 हो गया, यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी हो जाएगी, ये टी हो गया माइनस 10 हो गया, राइट। ये सी सी जो है कैंसल आउट हो गया, यहां पर 20 भी कैंसल आउट हो रहे हैं, ये हो गया 160 माइनस 2t दैट शुड बी इक्वल टू टी माइनस 10। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये 2t को उधर ले गए तो 3t हो जाएगा और ये हो जाएगा 170, तो इस तरह से अगर आप देखो तो t इज इक्वल टू 170 बाई 3 हो गया, तो 170 बाई 3 हो गया, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे 170 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 66 आते रहेगा, ठीक है, तो 56.67 डिग्री सेल्सियस जो है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, राइट। हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, तो 56.67 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।